जावेद अब्दी फाउंडेशन, जैफ विच ऑल्सो स्टैंड फॉर जर्नलिज्म एडवोकेसी एंड फन. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक कॉमेंट एंड शेयर. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. And yeah, I completely agree. And हम लोग सेक्शन 8 की बात कर रहे थे, एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए की बात कर रहे हैं. तो आई मीन वी हैव आल्सो फाइल्ड अ लॉट ऑफ आरटीआईज ऑन दैट. आई पर्सनली विजिटेड ओडिशा आफ्टर यू नो फानी हैपेंड एंड यू नो टू स्टडी डिजास्टर एंड डिसेबिलिटी. एंड जो हम लोग ये पेंशनर्स की बात कर रहे हैं और जो अलग अलग हम लोग बात करें कि कहाँ पर इन लोगों ने डेटा एक्चुअली कलेक्ट करा है, तो मैं इस पर थोड़ी मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं गया, मैंने फर्स्ट रिस्पॉन्डेड या स्टेट की जो एसडीएमए थी उनसे भी जाके बात करी थी, पूछा था कि आप डू यू कलेक्ट दिस डेटा, डू यू नो हैव दिस डेटा. सो यू नो दे सेड या वी हैव द डेटा. सो आई वाज हैप्पी, आई वाज लाइक ओके कूल, मतलब कुछ तो हुआ है. एंड व्हेन आई एक्चुअली फाउंड आउट, सो व्हाट दे डू इज हर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं उसमें इट डजंट रियली हैव टू बी पीपल विद डिसेबिलिटीज. इट इज यू नो पीपल हु आर यू नो old or you know who are just getting pension. So जो उनके पास data है तो इसलिए ही, मतलब जो data है वो इतना कम इसलिए है क्योंकि मतलब act में तो mention करा है कि आपको लेना है data, but the way they're doing, the modality of it या the how कि कैसे कैसे लेना है वो उस पर थोड़ी मतलब I think और ज्यादा अगर काम हो कि not just कि आपको लेना है but कैसे लेना है, कैसे आप करेंगे इसको, कि आप survey करें या ये I think already mention हुआ है पूरी talk में. अनदर थिंग इज जो आपने बहुत सही बात कही कि अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है क्योंकि सिर्फ एक बंदा आरटीआई करने से या 10 लोग आरटीआई करने से बात नहीं बनेगी. आई फील के ये सेशन इसलिए ही हो रहे हैं कि वी डू एज मच एज पॉसिबल एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एट वॉट एवर लेवल वी कैन. तो आपको कोई नहीं रोक रहा है चिट्ठी लिखने से, खत लिखने से, आर्टिकल लिखने से, अपनी आवाज उठाने से. आप उठाइए आवाज, उठाइए. अगर आपको डेटा मांगना है मांगिए, अगर आपको डेटा मिल चुका है आपको कुछ आगे उस पे लेके जाना है आप वो करिए. और अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वैष्णवी मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, अंकित सर आई थिंक सब लोग हैं, रमा मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं. और कोई मना क्यों करेगा आपको, आप बस आपको आवाज उठाने की जरूरत है. आवाज उठाइए, लिखिए जितना लिख सकते हैं. और मतलब जो 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 2% की बात आई है कि अगर 2% हल्ला बोल करेगा तभी बात बनेगी और तभी वो नंबर आगे उठेगा. तो हल्ला बोलने की बात है. और इसी बात पे मैं ये कहूंगा कि अभी हमारे आई थिंक 9:07 हो रहे हैं मेरे लैपटॉप में और ये बहुत लंबा सेशन था, बट थैंक यू सो मच वैष्णवी मैम, अंकित सर एंड बोथ आर इंटरप्रेटर्स अनंता एंड मनीषा फॉर इंटरप्रेटिंग for you know longer than expected. And thank you Varun and all the other volunteers, Sama and Varsha and Harsh also, he's left, but thank you Harsh for coming on board. So thank you everyone. And agar you guys want to watch this video again, we'll be putting it out on the YouTube channel, so you guys can check it out there. I'll think Ankit sir had said ke you also wanted the video, to main aapko bhej dunga. And काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग नहीं ले पाए थे, हमने कुछ ही क्वेश्चंस लिए थे, तो ये सब भी कंपाइल करके आई विल सेंड इट टू अंकित सर एंड वैष्णवी मैम एंड यू नो वी विल कोलेट दिस. एंड इफ यू वांट टू चेक आउट द स्टोरी, हफ्ते हफ्ते पे न्यूज़हुक स्टोरी भी करता है, तो आप न्यूज़हुक पे भी यू कैन रीड द स्टोरी. सो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू सो मच वैष्णवी मैम एंड अंकित सर. या बाय. थैंक्स, बाय बाय. JAF is a youth-led initiative. We deeply appreciate the support of all our interns and volunteers. Thank you. You can follow us on Facebook @JavedAbdi Foundation and you can tweet us @Rishad Shamir.